everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss about Guru Gobind Singh Indraprastha University. आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि ये यूनिवर्सिटी से अगर आप कोई कोर्स कर रहे हो तो क्या उसकी वैलिडिटी है, कैसा है ये यूनिवर्सिटी और कौन कौन से कोर्सेस ये प्रोवाइड करता है, कितनी फी स्ट्रक्चर हो सकती है आपकी, तो सारी इन्फॉर्मेशन इस यूनिवर्सिटी के बारे में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो. गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, जिसे हम शॉर्टली में इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी और IPU भी कहते हैं. ओके, सो सबसे पहले बात करेंगे इसके एस्टेब्लिशमेंट पे. सो ये एस्टेब्लिश हुई है 1998 में एंड 2023 में इसने अपने 25 ईयर्स कंप्लीट कर लिए हैं. अगर हम बात करें इसकी क्वालिटी की, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की, कोर्सेज की, तो ये बहुत ही अच्छा यूनिवर्सिटी माना जाता है दिल्ली का. दिल्ली यूनिवर्सिटी तो है ही एक एक्सीलेंट यूनिवर्सिटी. अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात करें दिल्ली में, तो ये एक एक्सीलेंट यूनिवर्सिटी मानी जाती है प्राइवेट सेक्टर में. और NEC जो कि एक काउंसिल है जो कि यूनिवर्सिटी कॉलेजेस की क्वालिटी पे ध्यान देता है, उन्हें नंबरिंग करता है, उन्हें ग्रेड प्रोवाइड करता है उनके क्वालिटी के अकॉर्डिंग, तो उससे इस यूनिवर्सिटी को 8++ मिले हैं. ओके, सो इसकी वैलिडिटी जो है वो 7 ईयर्स की है. नाउ इफ वी टॉक अबाउट अनदर थिंग लाइक अनदर फैसिलिटीज लाइक हॉस्टल फैसिलिटीज, लाइब्रेरी, स्टूडेंट काउंसिल्स एंड और जो सारी फैसिलिटीज होती है, कैंटीन एक्सेट्रा, उसके बारे में जानेंगे. तो सबसे पहले हम 3 डॉट पे टैप करेंगे, उसके बाद स्टूडेंट्स पे जाएंगे. तो यहाँ पे आपको सारी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू लाइब्रेरी, हॉस्टल्स फैसिलिटी, ये जो यूनिवर्सिटी है वो हॉस्टल्स फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करता है, स्पोर्ट्स की बहुत सारी एक्टिविटीज़ है. सिंस ये एक्सेलेंट यूनिवर्सिटीज़ में आता है, तो इसमें सारी ही आपको फैसिलिटीज़ मिल जाती है, हॉस्टल की, स्पोर्ट्स की, प्लेसमेंट की, जो कि बहुत ज़रूरी होता है स्टूडेंट्स के लिए कि आफ्टर द कोर्स, जब आप अपना कोर्स कंप्लीट कर लो तो क्या आप प्लेस्ड होगे कहीं, क्या ये यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट प्रोवाइड करती है. तो जी हाँ, ये प्लेसमेंट प्रोवाइड करती है. अगर आपको इंटरेस्ट है NSS NCC कैंप्स में या उनकी ट्रेनिंग में, तो ये वो सारी फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करती है. ओके, आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा. चलिए अब इसके नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं कि ये कौन कौन से कोर्सेज प्रोवाइड करती है. अगर आप कोर्स की बात करो तो ये यूनिवर्सिटी वैरायटी ऑफ कोर्स प्रोवाइड करती है आपको. आपको जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट है, आप उससे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन इस यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं. यू कैन सी द लिस्ट ऑफ कोर्सेज दैट दिस यूनिवर्सिटी प्रोवाइड्स यू. सो बहुत सारे कोर्सेज हैं, ये जितने भी कोर्स हैं इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जो ये यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है. फॉर एग्जांपल, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन, बैचलर ऑफ ग्रेजुएशन, आप नॉर्मल ग्रेजुएशन भी इस यूनिवर्सिटी से कर सकते हो. इस यूनिवर्सिटी से बहुत सारे एफिलेटेड कॉलेजेस हैं जहाँ पे आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो. ओके, BTech, ये सारे कोर्स, BEd, BTech, PhD, ये सारे कोर्सेस ये यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है. ओके, सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए. टेक केयर, बाय बाय.